सकते हैं। तो आइए सुनते हैं परिवर्तिनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय। परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा के अनुसार एक बार पांडु नंदन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य की आप हमें कथा सुनाइए और यह भी बतलाइए कि इस एकादशी का देवता कौन है, उसकी पूजा की क्या विधि है। युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस एकादशी का नाम वामन जयंती एवं अंक परिवर्तिनी है। जयंती व्रत से बढ़कर और कोई व्रत नहीं, इसके सुनने एवं स्मरण करने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णवों एवं अपनी गति चाहने वालों को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करनी चाहिए। हे राजन, जिन्होंने जयंती एकादशी में वामन भगवान की पूजा श्रद्धा एवं भक्ति सहित कमल पुष्पों द्वारा की, उसने तीनों लोकों, तीनों देवों एवं समस्त जगत को मानो जीत लिया, क्योंकि शयन किए हुए भगवान इसी दिन अपना अंग परिवर्तन करते हैं, इसी कारण इसका नाम परिवर्तिनी है। इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक कहा कि हे भगवान, यह बात मेरे हृदय में महान संदेह उत्पन्न कर रही है कि आप कब सोते हैं, कब जागते हैं और कब करवट बदलते हैं। आपने जो बलि को बांधा उसमें क्या कारण था। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, अब पापों को नाश करने वाली मैं कथा कहता हूँ, आप सुनिए। सतयुग में अत्यंत ब्राह्मण भक्त सत्यवादी एवं दानी बलि नामक राक्षस मेरा अनन्य भक्त था। उसने अपने यम नियम एवं तप दान और यज्ञ द्वारा त्रिलोक्यों को कंपित कर दिया था। उसके यज्ञ दान और तप से भयभीत इंद्र देवताओं को साथ ले मेरे यहाँ पर आए और मेरी स्तुति एवं प्रार्थना की। तब मैंने इंद्र के स्वार्थ साधनार्थ वामन रूप धारण कर उसे जीता। भगवान के मुख से ऐसी वाणी सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, इस तरह नहीं, इस कथा को आप विस्तार से मुझसे कहिए। युधिष्ठिर के ऐसे वाक्य सुनकर भगवान ने कहा कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण कर राजा बलि से तीन पग पृथ्वी की याचना की और उसने सहर्ष दान दे दिया, परंतु उसके संकल्प के होते ही मैं वामन रूप से त्रिविक्रम रूप में हो गया। भूलोक में नख, भूवर लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कटी, महर लोक में उदर, जन लोक में हृदय, तप लोक में कंठ और सत्य लोक में मुंह कर मस्तक को और भी ऊंचा कर दिया। उस समय सूर्य चंद्र और इंद्रादि के समस्त देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने बलि से कड़क कर पूछा कि तेरी समस्त पृथ्वी मेरे दो ही पग में आ गई, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? मेरी बात सुन बलि ने अपना मस्तक नत कर दिया। तब मैंने उसके मस्तक पर पैर रखकर उसे पाताल में पहुंचा दिया, परंतु उसकी अत्यंत अधिक विनयशीलता को देखकर मैंने उससे कहा कि हे राजन, अब मैं सर्वदा तेरे ही पास रहूंगा, अतः भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मैं एक रूप से बलि के पास एवं दूसरे रूप से क्षीर सागर में निवास करता हूँ। जब तक कार्तिक मास नहीं आती तब तक मेरी एक मूर्ति शेष शैया पर और दूसरी बलि के यहाँ बराबर सोती रहती है। इसी एकादशी को मैं सोता हुआ करवट बदलता हूँ। अस्तु, इस एकादशी को त्रिलोकी भगवान की पूजा एवं दान तथा रात्रि का जागरण अक्षय पुण्य और महामंगल फल देने वाला है और इसको करने वाले एवं इस कथा को सुनने वाले अवश्य ही स्वर्ग और मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय।
इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ परिवर्तिनी एकादशी वामन एकादशी का व्रत धारण करते हैं, भगवान का पूजन कथा श्रवण करते हैं, व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा भगवान की कृपा से सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन धारण किया जाता है। इसे एकादशी और ग्यारस व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में दशमी के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। मांस मदरा लहसुन प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। दशमी के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए और सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण करके उसके बाद दांतों को अच्छे प्रकार से साफ करके रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नामों का और एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोनी चाहिए और एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करें, तुलसी पत्र अर्पित करें, अनेक प्रकार के नैवेद्यादि का भोग लगाए, विशेष करके इस दिन ककड़ी मिल सके तो इसका भोग लगाना चाहिए या आप दूध से बने हुए वस्तु का भोग लगाए। अभी के मौसम में ऋतु फल जो भी प्राप्त हो उसका भोग लगाए और जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके ही भोग लगानी चाहिए। उसके बाद जल से आचमनी करवाए, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इस प्रकार से एकादशी तिथि के दिन दिन रात्रि उपवास रहते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं या जिनका स्वास्थ्य सही ना हो तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें और फिर भगवान का पूजन करते हुए कथा श्रवण करते हुए समय को व्यतीत करें। एकादशी तिथि के दिन जहाँ तक हो सके रात्रि में जागरण करते हुए समय को व्यतीत करनी चाहिए और द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लेनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन करवाए और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करते हैं तथा व्यक्ति के जब पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है, उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है और अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। व्रती को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नाम जप करनी चाहिए। भगवान के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए, इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।